अब इस ओन को अलोंग से कंपेयर करने वाला एक सिंपल सा सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिख रही हूं. आई वॉज वॉकिंग डैश द रिवर, तो रहने दो, कोरोना टाइम चल रहा है रोड ही लिख देते हैं. I was walking dash the road. बच्चों ध्यान से नोटिस करना अगला सेंटेंस. He was driving. ये पिक्चर से नहीं समझा सकते इसलिए सेंटेंस लिख रही हूं. He was driving a car dash the road. देखो क्लास के शुरुआत में मैंने कहा था कभी किसी चीज को देख के प्रेपोजिशन मत लगाना, मतलब ऐसे मत रटना कि रोड के लिए तो भाई हमेशा यही आएगा. इसीलिए मैंने दोनों ही जगह पे देखो रोड यूज किया है. थी आई के केस में अलोंग और ड्राइविंग, ही वॉज ड्राइविंग अ कार के केस में ओन. बच्चों कार जो है देखो इमेजिन करो, अभी कहां इमेजिन करवाएं, ये वाला रोड दिखेगा क्या अगर मैं बनाऊं तो? दिखना तो चाहिए स्पेस के हिसाब से. देखो मैंने मान लिया ये रोड, कितनी जल्दी हमने सड़क बना दी है. देखो सरकार को कितने दिन लगते हैं, हमने झटपट कुछ सेकंड्स में ही सड़क बना दी. देखा कलाकारी अंग्रेजी के टीचर्स की. ये हमारा जो रोड है बच्चों, इस रोड पर अगर मुझे चलता हुआ दिखाना है तो ये हूं मैं. मेरी ड्रॉइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, बाकी अपने आप को मैंने अपनी तरफ से बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश की है. आप बताइए मैं खूबसूरत इसमें लग रही हूं कि नहीं. ठीक है, अब ये जो पोजीशन है ना मेरी, मेरा अलोंग ये है, ये रोड है, यहां पे मैं चल रही हूं, यहां चल सकती हूं दाएं की बजाय, वैसे बाएं दिखाना चाहिए मुझे, हमें बाईं ओर चलना होता है रोड के. तो दिस इज अलोंग. अगर मैं यहां चल रही हूं चौधरी बन के तो मुझे अपना जीवन प्यारा नहीं है और मैं भगवान को कह रही हूं मुझे ऊपर बुला लो. ये होता है ऑन द रोड. आई वॉज ना, हाँ ये पोजिशन ऑन होती है, ये गलत है. ये पोजीशन अलोंग है, ये सही है. किसी चीज के साइड में चलना, इस तरफ या इस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर के साथ साथ के सेंस में अलोंग आता है बच्चों. और बिल्कुल उस सरफेस के ऊपर दिखाओगे तो फिर ओन आता है. और रोड के सरफेस के ऊपर चलने के लिए हमें नहीं बनाया है भगवान ने, वो भी हिंदुस्तान में. यहाँ के लोगों की ड्राइविंग आपको पता ही होगी, है ना, हम भी यहीं पे चलाते हैं ना, तो हमें पता है कि हम कैसे चलाते हैं. और कोई इस तरीके से चल रहा है तो वो कितने दिन जीवित रहेगा बताओ जरा, कोरोना से मरे ना मरे, यहाँ वाली बात गड़बड़ी में कर देगी उसको. तो इट इज ऑन एंड अलोंग.